दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को डिटेन भी किया है, और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं, जो संगठन है, वो लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं। आपको सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है, ये लोग किस लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए कि कैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हंगामा काटा गया, जिसके बाद इन लोगों को डिटेन किया गया। भाई मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर सभी सनातनियों की भीड़ आप देख सकते हैं। तो वीडियो देख लिया आपने, ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पर हिंदू संगठन के लोग घुस जाते हैं और उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। दिल्ली पुलिस बाद में इनको डिटेन कर लेती है। दरअसल मामला पिछले जुमा का है। दिल्ली के इंदर लोक का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आपने देखा था। इस तरीके से मस्जिद फुल हो जाने के बाद लोग सड़कों के ऊपर आकर नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का एक सिपाही आकर उन लोगों को लात मारता है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उसके बाद हिंदू संगठन के लोग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं और उसके बाद वहां हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। सचिन गुप्ता ने क्या लिखा है इस वीडियो को ट्वीट करते हुए, आपके स्क्रीन पर सचिन गुप्ता ने लिखा है, सस्पेंड SI मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ना गलत और SI मनोज तोमर के लात मारने के एक्शन को सही बता रहे हैं। उसके बाद सचिन गुप्ता एक और ट्वीट करते हैं, जब पुलिस इनको जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां जाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो उसके बाद डिटेन भी किया जाता है। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को पुलिस डिटेन कर रही है, क्योंकि ये लोग SI मनोज तोमर के लात मारने को सही बता रहे हैं और सड़क पे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन लोगों को गलत बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक पुलिस वाला जिसने गलत काम किया, संविधान के खिलाफ जाकर किया, कानून के खिलाफ जाकर किया, उसको ये लोग सही बता रहे हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए नमाज पढ़ने को गलत बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को डिटेन कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में, इस वीडियो के बारे में और जो कुछ आपको देखने को मिला उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।